राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को नागरिकता अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने के केंद्र के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह कदम संसदीय लोकतंत्र पर हमले के समान है। केंद्र पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि CAA अधिसूचना को लेकर फैसला अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को नागरिकता अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने के केंद्र के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह कदम संसदीय लोकतंत्र पर हमले के समान है। केंद्र पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि CAA अधिसूचना को लेकर फैसला अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को नागरिकता अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने के केंद्र के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह कदम संसदीय लोकतंत्र पर हमले के समान है। केंद्र पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि CAA अधिसूचना को लेकर फैसला अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले आया है।